और हमारे मुख्य यजमान जो है भागवत जी का तिलक चंदन आदि करेंगे हमारे यजमान जी महाराज। दे शदा परिमभानमभेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतां शरणं मृत्यार्हन् व्रतवान् लिभवाधिभूतम् श्रीवन्दे महाप्रस्तुते चरणा सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरे। जन्मादस्य चार्तेषु विज्ञेश्वरा तेरे ब्रह्मराज कवये मुह्यन्ते यदशूरया तेजो मार्प्रदां यथा विनिमयो यत्तपि सर्वमृषाम् नाम्ना स्वेन सदा निरस्तु गहकं सत्यं परं धीमहि। वसुदेव सतां देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। वर्हापीरम नटवर वपुर्णयो वर्णिकारम जयंतीं च माला वृन्दौ नवेणोदर सुदया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारण्यम सपद रमणम प्रागवसद गीत सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताद्वयं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वस्ति श्री परमात्मने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्ष्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौदगं गर्दले वेणुगणे कंकणां सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावले गोपश्री परवैष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु।
पुष्पस्कृत्य नर्मचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पतूजय मुदीरयेतः। भागवत जी करी नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धं पुण्यं करोमि अहं पाणन प्रवेशाय श्रीलंग सिद्धांत कौमुदी स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। आइए सभी हम लोग बड़े एकीभूत होकर के बड़े भाव के साथ में युगलाष्टक गाते हुए अपनी वाणी को पवित्र और पावन बनाते हुए और अपने स्थानों को ग्रहित होते हुए बड़े भाव के साथ में हम लोग गाएंगे। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधिने नित्य राधा कृष्ण पति मामा, राधा कृष्ण पति मामा, राधा कृष्ण पति मामा, राधा कृष्ण पति मामा। Thank you.
पीतांबरधारी मेरे बांके बिहारी लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। होली के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत की कथा आज जवाहर कॉलोनी खंडवी में राधा कृष्ण मंदिर के सुंदर प्रांगण में आज शुभारंभ हो रहा है। हमारे श्री बाबूलाल राठौर और हमारे श्री नवाब शर्मा जी और हमारे सभी भक्तगण की ओर से ये भगवान के लिए पुष्पांजलि अर्पित हो रही है। प्यारे भक्तों, भगवान की बड़ी आनंदमयी कथा जहां होती है वहां सभी देवता विराजमान हो जाते हैं। सभी विराजमान होते हैं, इष्टादि मित्रादि पित्रादि सभी देवता कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं तो यहां पधारते हैं। प्यारे भक्तों, जब भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है तो हमें कथा सुनने का शुभ अवसर मिलता है। अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो कथा सुनने को हमें मिलती है। भाग्योदयेन वौषम समर्जतेन शतसंगमम लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृतमो मदांधकार नासं विदाय हितैतु दयतो विवेकः। एक जन्म का वर्णन नहीं है, बहुत ध्यान देना। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो कथा सुनने को मिलती है, लेकिन हम लोगों का पुण्य तो इतना उदय है कि हम लोगों को कथा मिलती ही रहती है। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा हम लोगों पर। श्रीमद् भागवत की कथा जीव को मुक्तिमय द्वार पर ले जाती है और उद्धार कर देती है।
साक्षात भगवान है मेरी भागवत महापुराण नारायण है। क्योंकि कथा सुनने से तब ही सार्थक हमारा जीवन होता है, उस कथा को सुनकर के हम अपने जीवन में कुछ उतारें। कथा सुनने का तब ही हम लोगों को कुछ मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हम लोग हर बात पे कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। क्या है सच्चिदानंद का मतलब? होता है सत माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। बहुत ध्यान देना। चित्त माने प्रकाश और आनंद माने आनंद स्वरूप। भगवान अविनाशी भी हैं, सच्चिदानंद भी हैं, आनंद भी हैं। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। क्योंकि सत्य ही मेरे भगवान है। और तीन प्रकार के हमारे ऊपर ताप होते हैं, उन तापों को जो उन्मूलन करता है। बोलो राधे राधे। ढील गाय बोलते हैं राधे राधे। आप तो कोई नाश्ता पानी में करके आए होंगे, ऐसे थोड़े नहीं वैसे वैसे ही बात है। हमारी माताओं का जो सत्संग चलता है ना, हाँ, पर हमारा सत्संग कोई ना सुने वहां। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि कथा एक भगवान के प्रति आस्था निष्ठा लोगों को ज्ञानमय बनाती है। अंधकार होता है वह उजाला करती है। क्योंकि भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, हमारे तीन तापों का अनुमूलन कर देती है। हमारी माताएं कहती हैं, हम तो महाराज रोज भागवत सुनते हैं, हमारा तो उद्धार हुआ नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ प्यारे भक्तो, भगवान सबका उद्धार करते हैं, लेकिन सुनने के जो भेद हैं, जो भाव हैं, बोला बोलते हैं। हाँ। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं, भागवत वो महापुराण है, इसकी छाया में जो बैठ जाता है ना, उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन कुबेर के पास जाओगे तो धन ही मिलेगा, किसी भगवान के पास में जाओगे तो जिसका मालिक होगा वही तो दे सकता है। कोई जल का मालिक जल देगा, कोई वायु का मालिक वायु देगा। लेकिन भागवत तो ऐसी है कि इसकी छाया में जो बैठ जाता है उसका तो कल्याण हो जाता है, सब चीज मिल जाती है। और बिन सत्संग, और जब तक सत्संग हम लोग नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से हमारे अंदर ज्ञान अर्जन होता है, माने ज्ञान हमारे अंदर आता है। अच्छे लोगों का संग, अच्छी कथा, कथा का मतलब यही है जो समागम करती है, लोगों को इकट्ठा करती है और भगवान के प्रति निष्ठा भाव भाव को मनाती है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न रहते उदास। देखो
कोई तो तन से दुखी है, तन से दुखी रहते हैं। भगवान ने सब प्रकार का आनंद दिया और ऐसी बीमारी तन में लग जाती है, बोले गलती नहीं है। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन से भी हम लोग दुखी होते हैं। मन से कैसे? मन में विचार किया कि अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छा योग्य बनाऊंगा, अच्छा संस्कारवान बनाऊंगा। पढ़ेगा लिखेगा तो ज्ञान आएगा, अच्छे घर से विवाह करूंगा क्योंकि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। अब देखा तो पढ़ लग करके आया, नौकरी भी लग गया और भगवान की कृपा ऐसी हो गई, शादी हो गई। बोलो राधे राधे। जो थोड़ी बहुत ममता प्रेम निष्ठा माता पिता में था ना, पर शादी के बाद कहां चला जाता है? शादी के बाद में तो फिर श्रीमती जी के पास जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, हाई कमान का बात है, बैठ जाओ, बैठ गए, चलो चल दे। तो कहने का भाव मेरा ये है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, हम लोग मन से दुखी रहते हैं। अच्छे घर से विवाह करूंगा, बेटा पढ़ लिख के आया, देखा तो साथ में बहू भी ले आया। इसका मतलब क्या? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक बात कहूं, हम लोगों को माया का जो बंधन है, जो निर्विकार जो संत होते हैं ना, उनको माया से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो बस केवल हरि का भजन होना चाहिए। ये हमारी जो पृथ्वी है ना, अभी हमारा धर्म ऊपर चल रहा, भले ही हमारा कलयुग चल रहा है कोई नहीं, लेकिन जो हमारा धर्म है वो बहुत कहीं ऊंचे आ गया। हमारी भूमि में ऐसे अवलात्मा संत भरे पड़े हैं और ऐसे संत मैंने गोवर्धन में देखे। बोले महाराज, 24 घंटे में गिरिराज जी की 3 परिक्रमा करते हैं। बोलो राधे राधे। 24 घंटे में 63 किलोमीटर चलते हैं, अब ये लगाइए। उसमें वो थोड़ा बहुत आराम भी करते हैं, भजन तो करते क्या है, क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं ना, वो भगवान को समर्पित हो जाते हैं और भगवान ही उनकी सब व्यवस्थाएं बनाते हैं। माया के पीछे नहीं भागना, वो माया से परे होते हैं। जीवन मुक्त भगवान का भजन जरूर हम लोगों को करना चाहिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, श्री राधे राधे
सब जग निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता से जानिए यके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके पास में भगवान का जो खजाना है, भगवान नाम की भक्ति है, वही सबसे बड़ा पैसे वाला होता है। संसार के पैसे से डर लगता है कहीं चोर खिड़की तोड़ कर ना ले जाए, लेकिन भगवान का जो नाम जो है उतना गाते हो उतना ही बढ़ता चला जाता है। आज शूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। शूत जी महाराज रास्ते में जब जा रहे थे तो नैमिषारण्य क्षेत्र की भूमि में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं वहां, बहुत ध्यान देना, 88,000